फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। फ्रेंड्स, आज हम देखेंगे चेक बाउंस के बारे में पूरी जानकारी। चेक बाउंस होने पर क्या होता है और उसके बारे में लीगल प्रोविजन क्या है, ये सब जानकारी हम देखेंगे। फ्रेंड्स, वीडियो अंत तक देखिए, लाइक कमेंट शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना न भूलिए। तो चलिए जानेंगे चेक बाउंस के बारे में पूरी जानकारी। आज के समय में चेक बाउंस होने की समस्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। अब ये चेक बाउंस के बारे में हर इंसान को पता होना जरूरी है, जैसे कि चेक बाउंस क्या होता है, चेक बाउंस होने पर क्या करना पड़ सकता है, कितनी सजा होती है। अब चेक बाउंस के बारे में जैसे कि क्यों होता है, तो चेक बाउंस होने का मेन रीजन ये है कि आपके अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है। पर्याप्त बैलेंस न होने की वजह से चेक बाउंस हो जाता है, जिसकी वजह से परेशानी, कई तरह की परेशानी और आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। अब वैलिड चेक कितने दिनों तक होता है, तो 3 मंथ तक वैलिड चेक होता है। अब इस दौरान आप कभी भी अपना चेक अकाउंट में लगा सकते हैं। यदि आप 3 मंथ के बाद चेक बैंक में लेकर जाएंगे तो बैंक आपका चेक क्लियर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि वह चेक अमान्य हो जाता है और वह डेड चेक हो जाता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, जिसके कारण आपको बैंक से वापस आना पड़ता है। जैसे कि अक्सर हम देखते हैं कि चेक बाउंस हो जाता है, तो चेक बाउंस होने के बाद हमें क्या करना चाहिए, तो इसके बारे में हर इंसान को पता होना चाहिए कि चेक बाउंस होने के बाद हम क्या करें। जब हमारे अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस नहीं होता है तब चेक बाउंस होता है, तो बैंक द्वारा कस्टमर को एक रिसिप्ट दी जाती है और उस रिसिप्ट में चेक क्यों बाउंस हुआ है, इसका रीजन, इसकी पूरी जानकारी लिखी होती है। अब ज्यादातर मामलों में चेक बाउंस अकाउंट में बैलेंस पर्याप्त न होने से होता है। अब इस स्थिति में 30 डेज के अंदर देनदार को एक लीगल नोटिस भेजना होता है। इसके लिए हमें किसी वकील की मदद ले सकते हैं हम। अब चेक जारी करने वाला देनदार आपको पैसे नहीं देता है तो आप नोटिस भेजने के 15 डेज बाद जिले के कोर्ट में किसी वकील की मदद से केस फाइल कर सकते हैं। अब जिसके बाद कोर्ट आरोपी को सजा के साथ जितनी राशि की चेक होगी उसका डबल फाइन सुना सकता है। इसलिए यदि चेक बाउंस हो जाता है तो आप सही समय पर कार्रवाई करने से आपका पैसा डूबने से बच जाएगा और आप उस आरोपी को दंड भी मिल जाएगा। अब चेक बाउंस होने की स्थिति में बैंक द्वारा ग्राहक को एक रिसिप्ट प्रदान की जाती है, जिसमें चेक बाउंस क्यों हुआ है इसकी पूरी जानकारी दी जाती है। अब उस रिसिप्ट में लिखी तारीख के अंदर यानी 3 मंथ के अंदर फिर से चेक जमा करने को कहा जाता है। अब लेकिन यदि कस्टमर कानूनी तौर पर कार्रवाई करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि वो लीगल साइड से हम स्टेप उठा ले, तो चेक बाउंस होने की रिसिप्ट प्राप्त होने के 30 डेज के भीतर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को नोटिस भेज सकता है। अब जिसमें मुख्य रूप से सभी मेन इंग्रेडिएंट होने जरूरी है, जैसे कि चेक डिपॉजिट करने की डेट, चेक का अमाउंट और चेक कब बाउंस हुआ है, यह सभी जानकारी दी जाती है। अब यदि लीगल नोटिस भेजने के बाद भी 1 मंथ के अंदर चेक जारी करने वाला व्यक्ति, जो चेक जारी करने वाला व्यक्ति है, उसने लेनदार को पेमेंट नहीं करता है, तो ऐसे स्थिति में लेनदार जो है वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के सेक्शन 138 के तहत आपराधिक शिकायत दर्ज करा सकता है। अब आपराधिक केस दर्ज कराने से इसमें अहम बात यह है कि लेनदार को 30 डेज के भीतर अपनी शिकायत कोर्ट में दर्ज करानी होती है। अब यदि 30 डेज के बाद शिकायत दर्ज कराई जाती है, यानी 30 डेज गुजर चुके हैं और 30 डेज के बाद हम शिकायत दर्ज करते हैं, तो आपको देरी का उचित यानी वैलिड रीजन बताना होता है।
यदि बताया गया कारण जो है रीजन है उचित नहीं हुआ है, यानी कोर्ट को ऐसा लगता है कि जो रीजन हम बता रहे हैं वो गलत है, रीजन वैलिड नहीं है, तो कोर्ट द्वारा सुनवाई करने पर यदि देनदार दोषी पाया जाता है तो उसे चेक बाउंस होने के दंड के रूप में चेक की धनराशि का डबल जुर्माना और 2 साल की सजा सुनाई जा सकती है। अब चेक बाउंस होने पर आपराधिक मामला दर्ज करने के साथ साथ एक अलग से हम सिविल केस फाइल कर सकते हैं, जिससे चेक धनराशि के साथ साथ बैच का भी दावा कर सकते हैं, यानी डबल केस कर सकते हैं। अगर सिविल केस उसी शहर में फाइल कर सकते हैं जहां, यानी जहां जुरिस्डिक्शन होता है कि जहां पर आप रहते हैं, जिस भी गांव में हम रहते हैं उसी गांव में या जहां हमने चेक जमा किया है वहीं पर। अब यहां स्पेशल नोट है फ्रेंड्स, यहां ध्यान रखना जरूरी है कि यदि हमें चेक गिफ्ट या डोनेशन के तौर पर जारी किया गया है तो हम केस फाइल नहीं कर सकते हैं। यदि चेक बाउंस होता है तो यह कानूनी अपराध है, और बार बार चेक बाउंस होता ही है तो हमें जुर्माने के साथ साथ जेल भी जाना पड़ सकता है। इसके साथ ही बैंक आपको चेक सुविधा से वंचित भी कर सकता है, यानी बैंक हमें चेक नहीं देगी और आपका बैंक अकाउंट भी बंद कर सकती है, परमानेंट आपका बैंक अकाउंट बंद हो सकता है। लेकिन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी कुछ निर्देश है, जैसे कि यदि किसी व्यक्ति का 1 करोड़ की कीमत के चेक 4 बार यानी 4 टाइम बाउंस होता है तभी बैंक उसके खिलाफ यह कार्रवाई कर सकती है। यदि जारी किया गया चेक अकाउंट में पर्याप्त बैलेंस ना होने के कारण बाउंस हो जाता है तो यह एक अपराध के श्रेणी में आता है, यानी इसे अपराध माना जाता है, जिसके लिए चेक जारी करने वाले व्यक्ति को 2 इयर्स की सजा यानी 2 साल की सजा और चेक अमाउंट की डबल रकम का जुर्माना यानी फाइन हो सकता है। अब इसके लिए कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई है, जैसे कि कौन सी शर्तें हैं। चेक बाउंस होना अपराध की श्रेणी में तभी आता है जब बैंक में 6 मंथ या उतने समय के अंदर पेश किया गया हो, जितने समय तक उसकी वैधता है, यानी उसका वैलिड जो समय है उस समय तक। नेक्स्ट कंडीशन है जैसे कि चेक प्राप्त करने वाले व्यक्ति, जो चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति है उसके द्वारा बैंक में चेक बाउंस होने की जानकारी मिलने के 30 डेज के अंदर चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लीगल नोटिस भेजकर बताया जाना चाहिए कि आपका चेक बाउंस हो चुका है और चेक अमाउंट का पेमेंट किया जाए। ये मेन कंडीशन है। अब नेक्स्ट कंडीशन है, यदि चेक जारी करने वाला व्यक्ति लीगल नोटिस प्राप्त करने के 15 डेज के अंदर चेक अमाउंट का पेमेंट ना करे, यानी 15 डेज के अंदर उसने चेक अमाउंट का पेमेंट नहीं किया, तब चेक प्राप्त करने वाला व्यक्ति आगे की कार्रवाई कर सकता है, यानी कोर्ट प्रोसीजर कर सकता है। सो फ्रेंड्स, यह थी चेक बाउंस के बारे में पूरी लीगल प्रोविजन और जानकारी। थैंक यू।